स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया टीवी पर, वॉइस ऑफ एमपी में मैं आपके साथ सुनूं। चक्रवात तूफान आसनी के चलते देश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं तेज बारिश तो कहीं लू का कहर जारी है। मौसम विभाग की माने तो आज सोमवार 21 मार्च 2022 को चक्रवात आसनी के अंडमान द्वीप समूह से म्यांम और इसमें दक्षिणी बांग्लादेश तट की ओर बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में शाम को ये चक्रवात का रूप ले सकता है। इसके चलते अंडमान निकोबार समेत कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू में कहीं कहीं बर्फबारी के भी संकेत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज सोमवार 21 मार्च को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में तापमान में गिरावट आ सकती है, और वहीं विदर्भ और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने के कारण तेलंगाना, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके असर से जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी का भी अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं दबाव रेखा के चलते तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और कोकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। अंडमान सागर के पास समुद्र की ओर हवा की गति 50 किलोमीटर से 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार है जानकारी से खुद को अपडेट रखने के लिए बन रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ एमपी पर। शुक्रिया।